हैरी पॉटर के फैंस लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को तो जानते ही होंगे, लेकिन जिन्होंने नोवेल नहीं पढ़ी उन्हें इसकी ओरिजिन स्टोरी नहीं पता होगी, क्योंकि मूवी में जादूगरों की दुनिया के सबसे खतरनाक जादूगर की पूरी कहानी तो बताई ही नहीं गई। तो गाइज, मैं हूँ आमिश और आज मैं बात करूंगा लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की अनटोल्ड स्टोरी के बारे में। तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की स्टोरी की शुरुआत होती है गॉन्ट फैमिली से, जिसमें थे मार्वलो गॉन्ट, मॉर्विन गॉन्ट और मेरोपी गॉन्ट। ये गॉन्ट फैमिली सेलेजार स्लिदरिन के आखिरी वंश थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि सेलेजार स्लिदरिन हॉगवर्ट्स के चार फाउंडर में से एक हैं। मेरोपी गॉन्ट को उसके भाई और पिता मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया करते थे, क्योंकि मेरोपी में अभी तक जादूगर होने के कोई निशान सामने नहीं आए थे, लेकिन समय के साथ आगे चलकर वो जादूगर बन जाती है। गॉन्ट फैमिली रिच हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इनके सारे सोने के सिक्के खत्म हो गए थे और इनके पास बचा था तो बस सेलेजार स्लिदरिन की लॉकेट और एक पुश्तैनी अंगूठी जिसमें की रिजरेक्शन स्टोन थी। एक दिन मेरोपी की मुलाकात टॉम रिडल सीनियर नाम के एक मगलू से हुई और वो उसको पसंद करने लगी, लेकिन उसके भाई मॉर्विन को ये बात पसंद नहीं आई और उसने टॉम रिडल सीनियर पे एक जादू कर दिया, जिससे कि वो मेरोपी से नफरत करने लगा। इसके बाद मगलुओं के सामने जादू करने के कारण मॉर्विन और मार्वलो को अज़्काबान के प्रिजन में भेज दिया गया, जिससे कि मेरोपी अपने परिवार से आजाद हो गई और टॉम रिडल सीनियर का प्यार फिर से पाने के लिए उसने लव पोशन का सहारा लिया। इसी लव पोशन की वजह से उन दोनों की शादी हो गई और कुछ टाइम के बाद मेरोपी माँ बनने वाली थी। मेरोपी ने सोचा कि इतने समय से साथ रहने के कारण शायद टॉम रिडल सीनियर को उससे प्यार हो गया होगा और उसने अपने पति को लव पोषण देना बंद कर दिया, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। लव पोषण का असर खत्म होने के साथ ही टॉम रिडल सीनियर ने मेरोपी को छोड़ दिया। इसके बाद कुछ पैसों के लिए मेरोपी ने सेलेजार स्लिदरिन के लॉकेट को पॉर्गेन एंड बर्क्स में बेच दिया और वो कुछ समय के लिए वुल्स ऑर्फेनेज में गई, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन खुद कुछ देर बाद मर गई। मरने से पहले उसने बच्चे का नाम अपने पति और पिता के नाम को मिलाकर रखा, टॉम मार्वलो रिडल। फिर टॉम मार्वलो रिडल इसी ऑर्फेनेज में रहने लगा और जब वो 11 साल का हो गया तब वहाँ उससे मिलने एल्बस डंबलडोर आए। एल्बस डंबलडोर पहले जादूगर थे जिससे टॉम रिडल मिला था। उन्हें भी अपने जैसा सोचकर टॉम ने सारी बातें उन्हें बताई कि कैसे वो दूसरे बच्चों से अलग है और कैसे वो अपनी शक्तियों को उन बच्चों को तंग करने के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ उसने एक और बात रिवील की कि वो सांपों से बात कर सकता है, जिससे डंबलडोर को ये पता चल गया कि वो सेलेजार स्लिदरिन के खानदान से है। फिर वो हॉगवर्ट्स आ गया और बोलती टोपी ने उसे तुरंत नाग शक्ति में डाल दिया। हॉगवर्ट्स में वो टॉप के स्टूडेंट्स में गिना जाने लगा और सारे प्रोफेसर्स उसको पसंद भी करने लगे। अभी तक उसको यही लगता था कि उसके माता पिता दोनों ही जादूगर थे और वो प्योर ब्लड का है, लेकिन उसे आगे जाकर पता चला कि उसके पिता मगलू थे और इसी के बाद उसने अपना नाम बदलकर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट रख लिया। अपने परिवार के बारे में और जानने के लिए वो अपनी माँ के बारे में करने लगा और इसी तलाश में वो गॉन्ट फैमिली के पुराने घर में पहुंचा। यहाँ उसकी मुलाकात हुई अपने मामा मॉर्विन से, जिसकी सजा अज़्काबान से खत्म हो गई थी। मॉर्विन ने ये सोचा कि वो टॉम रिडल सीनियर है और उसने उस पे हमला कर दिया। टॉम रिडल जूनियर ने उसे रोका और सब कुछ बताया, जिसमें मॉर्विन ने उसे उसके मगलू पिता के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद टॉम रिडल ने मॉर्विन के वांड को लिया और अपने मगलू पिता के पूरे परिवार को ही मार डाला और फिर वापस आकर मॉर्विन की यादों को बदल दिया, जिससे कि उसे लगने लगा कि उसने ही टॉम रिडल सीनियर को मारा है। वहाँ से जाते जाते उसने मॉर्विन के हाथों से उसकी अंगूठी भी निकाल ली और जब मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक वाले गॉन्ट फैमिली के घर पे पहुँचे तो मॉर्विन ने खुद टॉम रिडल सीनियर को मारने की बात कबूल कर ली और उसे हमेशा के लिए अज़्काबान भेज दिया गया। इसके बाद अपने पढ़ाई के छठे साल में टॉम रिडल यानी कि वोल्डेमॉर्ट ने हॉरक्रक्स पे रिसर्च करना शुरू किया। उसे ये तो पता था कि इस काले जादू से कोई भी अमर हो सकता है, लेकिन ये कैसे करते हैं ये उसे नहीं पता था। इसके लिए उसने प्रोफेसर स्लगहॉर्न से बात की, जहां उसे पता चला कि हॉरक्रक्स बनाने के लिए अपनी आत्मा के टुकड़े करने पड़ते हैं और आत्मा के टुकड़े करने के लिए किसी इंसान को मारना पड़ता है। इसके बाद फिर क्या था, उसने हॉरक्रक्स बनाना शुरू कर दिया और सबसे पहली हॉरक्रक्स थी ये डायरी, जिसे उसने बनाया था माइटल को मारकर और हम उसे मायूस मीना के नाम से जानते हैं। इसी तरह उसने अपने पिता के मौत के बदले भी उस अंगूठी को भी हॉरक्रक्स में बदल दिया। फिर जब उसकी पढ़ाई हॉगवर्ट्स में पूरी हो गई तो उसने बॉर्गिन एंड बर्क्स में काम करना शुरू कर दिया और यहाँ उसका एक ही मकसद था कि कुछ यूनिक सामान ढूंढकर उसे हॉरक्रक्स में बदलना। यहीं उसकी मुलाकात हुई हेप्सिबा स्मिथ नाम की एक औरत से, जिसके पास दो अनमोल चीजें थी, एक हफलपफ का कप और एक सेलेजार स्लिदरिन की लॉकेट, जो कि उसने बॉर्गिन एंड बर्क्स से खरीदी थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसने हेप्सिबा स्मिथ को भी मार डाला और उसके बदले हफलपफ के कप को हॉरक्रक्स में बदल दिया और अपने साथ वो लॉकेट ले गया। फिर उसने बॉर्गिन एंड बर्क्स में काम करना छोड़ दिया और बस हॉरक्रक्स बनाने लगा। उसने कई लोगों को मारा और बदले में हॉरक्रक्स बनाई। इसी तरह उसने लॉकेट,
रेवनक्लॉ के ताज और नगिनी को भी हॉरक्रक्स में बदल दिया और इन्हें अलग अलग जगह छिपा दिया। अभी तक उसने आत्मा के 6 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन गड़बड़ तब हो गई जब एक भविष्यवाणी सामने आई जिसमें ये था कि कोई ऐसा जन्म लेने वाला है जो कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के बराबर का होगा और वही उसे खत्म करेगा। इसी भविष्यवाणी के कारण लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उस रात उस बच्चे को मारने गया, लेकिन उन दोनों के बीच बच्चे की माँ आ गई और मारी गई। इसी कारण ना चाहते हुए भी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने गलती से हैरी पॉटर को भी हॉरक्रक्स में बदल दिया, लेकिन ये बात उसे भी पता नहीं थी। अब इसके आगे की स्टोरी आप सबको मूवी से पता होगी ही कि कैसे हैरी और उसके दोस्तों ने मिलकर सातों हॉरक्रक्स को खत्म किया और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का अंत किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करो और ऐसी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।